नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के बनने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज 4497 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग के जरिए रखी गई निगरानी। राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालयों को दिए ये निर्देश। आज 11 नवनिर्वाचित सदस्यों को विधान परिषद के सभापति ने दिलाई शपथ। आग से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए जाने पर पटना के 40 होटल होंगे सील। शानदार बल्लेबाजी के साथ अपने फॉर्म में लौटे सूर्य कुमार यादव। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज 4497 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग के जरिए रखी गई निगरानी। आज तीसरे चरण के तहत बिहार में 5 लोकसभा सीटों पर वोट अभी भी जारी है। कई संवेदनशील जगहों पर 4 बजे तक चुनाव पूरे हुए। आज 5 सीटों के लिए ये चुनाव 9848 मतदान केंद्रों पर हुआ है। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से पूरी करवाई जा सके इसके लिए 4997 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग के जरिए निगरानी रखी गई। हालांकि शाम के 6 बजे तक अब सभी 5 सीटों पर मतदान समाप्त हो जाएंगे। सभी मतदान बूथों पर गर्मी को देखते हुए शामियाना लगाए गए थे और बैठने की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा मतदाताओं के लिए पानी के भी इंतजाम किए गए थे। न्यूज लिखे जाने तक बिहार के सभी 5 सीटों पर मतदान करीब 45% के बीच में हुआ है। आज 11 नवनिर्वाचित सदस्यों को विधान परिषद के सभापति ने दिलाई शपथ। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व सीएम राबड़ी देवी सहित 11 नवनिर्वाचित सदस्यों ने विधान परिषद सदस्य के रूप में शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह का ये कार्यक्रम बिहार विधान परिषद के सभागार में हुआ था। इन सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद थे। जिन नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली उनमें सीएम नीतीश कुमार, राबड़ी देवी जदयू से खालिद अनवर, सैयद फैसल अली भाजपा से अनामिका सिंह, मंगल पांडे, लाल मोहन गुप्ता राजद के, अब्दुल्ला बारी सिद्दीकी, डॉक्टर उर्मिला ठाकुर हमसे, संतोष कुमार सुमन और भाकपा माले से शशि यादव का नाम शामिल है। बिहार में वाहन खरीदने का टूटा रिकॉर्ड। बिहार के परिवहन विभाग द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के लोगों ने साल 2023 में वाहन खरीदने के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। परिवहन विभाग ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक साल 2023 में प्रदेश में 12,88,000 वाहनों की बिक्री हुई है। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में साल 2023 में 2,39,36,153 वाहनों की बिक्री हुई थी, जिसमें 5.38% वाहन सिर्फ बिहार में बिके हैं। राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालयों को दिए ये निर्देश। राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्यकर ने बिहार के सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि अब कोई भी विश्वविद्यालय अपने मनमाने तरीके से कोई कोर्स शुरू नहीं करेंगे, ना ही मनमाने तरीके से कोई शुल्क लेंगे। बता दें कि सभी बात राज्यपाल और बिहार के कई विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक के दौरान सामने आई है, जहां राज्यपाल द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को सख्ती से कहा गया है कि वे बच्चों से राज्यपाल सचिवालय की तरफ से निर्धारित शुल्क ही लेंगे। बैठक के दौरान राज्यपाल द्वारा कहा गया है कि विश्वविद्यालयों में किसी प्रकार का कोर्स शुरू करने के पहले सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन अवश्य लिया जाए, बगैर स्वीकृति के किसी नए कोर्स की पढ़ाई शुरू नहीं की जाए। सभी कुलपति इस बात को सुनिश्चित करेंगे। बिहार में खरीफ प्याज की खेती के लिए किसानों को मिल रहा प्रशिक्षण। बिहार में अब नासिक की तरह खरीफ प्याज की खेती भी की जाएगी। खरीफ प्याज को सरकार अनुसंधान संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षण देकर बढ़ावा दे रही है, ताकि किसानों की आय को दोगुना किया जा सके। इसके लिए राज्य बागवानी मिशन के सौजन्य से कृषि अनुसंधान संस्थान सबौर में 2 दिवसीय खरीफ प्याज उत्पादन को लेकर सेमिनार भी लगा। इस सेमिनार में उद्यान निदेशक अभिषेक कुमार ने बताया कि खरीफ प्याज की खेती के लिए 10 जिले को चिन्हित किया गया है, जिसमें से चयनित 5 जिले पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर और नवादा के 50 किसानों को प्रशिक्षण दिया गया है। प्याज की खेती के लिए सरकार की तरफ से 50% तक का अनुदान भी मिल रहा है। पॉलिटेक्निक संस्थानों में द्वितीय वर्ष के दाखिले की बढ़ी अंतिम तारीख। सरकारी और निजी क्षेत्र के पॉलिटेक्निक संस्थानों में लेटरल एंट्री के तहत द्वितीय वर्ष में दाखिले के लिए बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद यानी BCEC द्वारा 16 मई तक कर दी गई है। पहले आवेदन करने की अंतिम तारीख 7 मई थी, लेकिन अब आवेदन की अंतिम तारीख 16 मई करने के बाद फीस जमा करने की अंतिम तारीख 17 मई, आवेदन में सुधार की तारीख 18 से 19 मई कर दिया गया है। आवेदन किए गए बच्चों का एडमिट कार्ड 29 मई तक आ जाएगा और परीक्षा 9 जून को ली जाएगी।
आग से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए जाने पर पटना के 40 होटल होंगे सील। अभी हाल में ही पटना जंक्शन के पास पाल होटल में भयावह अगलगी की घटना सामने आई थी, जिसके बाद अग्निशमन विभाग पूरी तरह से सख्त हो गया था और पटना के सभी होटलों और अन्य संस्थानों को आग से सुरक्षा के इंतजाम करने की बात कही गई थी। लेकिन पटना के 40 होटलों ने आग से सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए हैं, जिस वजह से इन्हें 6 से 7 दिनों में सील करने की तैयारी है। इन सभी होटलों को खतरनाक श्रेणी में शामिल किया गया है और कहा गया है कि नोटिस के बावजूद भी इन होटलों ने आग से सुरक्षा के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए हैं। इस मामले में राज्य अग्नि पदाधिकारी एम सुनील कुमार नायक ने कहा है कि होटल और रेस्टोरेंट में आने वालों की सुरक्षा का दायित्व संचालक का है, लेकिन आश्चर्य है कि फायर ऑडिट में कमी बताने पर भी वे संवेदनशील नहीं होते हैं। अब कोचिंग संस्थानों और अस्पतालों में आग से सुरक्षा के उपाय की जल्द जाँच शुरू होगी, साथ ही कोचिंग और हॉस्पिटल संचालकों के साथ जल्द ही वर्कशॉप का आयोजन होगा। जेल में बंद आईपीएस आदित्य कुमार पर अब इस मामले को लेकर चलेगा केस। बिहार कैडर के 2011 बैच के आईपीएस आदित्य कुमार पर पद का दुरुपयोग करने, शराब तस्करों से सांठ गांठ करने और अन्य कई आरोप सही पाए गए हैं। आरोप सही पाए जाने के बाद अब आईपीएस आदित्य कुमार के खिलाफ मुकदमा चलेगा। बता दें कि मामले की सघन समीक्षा विधि विभाग के स्तर पर की गई थी। आईपीएस आदित्य अभी भी जेल में है। इन्होंने तत्कालीन डीजीपी एसके सिंघल को फोन करवाकर नकली जज की धमकी दिलवाई थी ताकि इन पर लगे आरोप से इन्हें मुक्ति दिलाई जा सके। हालांकि ये सभी आरोप सही पाए जाने के बाद इनके खिलाफ केस चलाने का आदेश दिया गया है। मुसलमानों के आरक्षण पर लालू यादव का बयान। मुसलमानों को आरक्षण दिए जाने को लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि देश के मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। वहीं अमित शाह को लेकर लालू यादव ने कहा कि वे बिहार में आकर लोगों को भड़का रहे हैं। अमित शाह के बिहार में जंगल राज वाले बयान पर लालू यादव ने पलटवार करते हुए कहा है कि चुनाव में हार को देखते हुए अमित शाह ऐसा बोल रहे हैं, अमित शाह डर गए हैं। वहीं भाजपा पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा वाले संविधान और लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। मतदान के लिए अपनी पैतृक भूमि खगड़िया पहुंचे चिराग पासवान। बिहार में आज खगड़िया सहित 5 सीटों पर चुनाव चल रहा है। आज खगड़िया में चिराग पासवान भी मतदान करने पहुंचे। मतदान करने के बाद वे अपने पैतृक गांव में आए, जहां उन्होंने अपनी बड़ी मां राजकुमारी देवी से मुलाकात की और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिए। मतदान के दौरान चिराग पासवान को लाइन में लगकर वोट देते देखा गया। पैतृक गांव में उन्होंने आसपास के लोगों से भी मुलाकात की। चिराग को देखने के लिए कई लोगों की भीड़ लग गई थी। बता दें कि सीट से चिराग पासवान की पार्टी LJPR ने राजेश वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं इन्हें टक्कर देने के लिए महागठबंधन से CPM के संजय कुमार चुनावी मैदान में है। जदयू नेता संजय झा ने विपक्षियों पर लगाया लूट खसोट की राजनीति करने का आरोप। बिहार के साथ साथ देश में कई जगहों पर विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही है। अभी हाल में ही झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे से मंत्री के PA और नौकर के घर से छापेमारी के दौरान 25 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। अब ईडी की इस कार्रवाई के बाद सत्ता पक्ष के लोग विपक्षी नेताओं पर हमलावर हैं। इस मामले को लेकर जदयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने महागठबंधन को लेकर कहा है कि ये लोग यही राजनीति करते हैं, ये लोग आएंगे तो इसी तरह की लूट खसोट करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के लोग जिस तरह से काले धन का उपयोग कर रहे हैं, उनकी कलई खुल रही है, बिहार और देश की जनता देख रही है। इस चुनाव में जनता सारा हिसाब उन लोगों का कर देगी। सारण लोकसभा सीट से रोहिणी के लिए लालू यादव ने नामांकन लिया वापस। सारण लोकसभा सीट से रोहिणी आचार्य चुनाव में खड़ी हुई हैं। यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लालू यादव ने भी इस लोकसभा सीट पर अपना नामांकन किया था, लेकिन अब लालू यादव ने रोहिणी आचार्य के लिए अपना नामांकन वापस ले लिया है। दरअसल ये लालू यादव सारण में मरहौरा के रहने वाले हैं, जो रोहिणी के पिता लालू प्रसाद यादव के हमनाम हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के हमनाम लालू यादव ने अपना नामांकन वापस लेने की वजह बताते हुए कहा कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने उन्हें अपने पटना स्थित आवास पर बुलाया था। जब वे वहां गए थे तो उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि इस बार मेरी बेटी रोहिणी सारण से उम्मीदवार है, इसलिए उनके समर्थन में अपना नामांकन वापस ले लीजिए। उन्होंने बताया कि मैंने रोहिणी के पक्ष में उनके पिता के भावनात्मक आग्रह पर सारण से नामांकन वापस लिया है। मुझे किसी तरह का कोई दबाव या धमकी नहीं दी गई है, अपनी स्वेच्छा से मैंने नामांकन वापस लिए हैं।
बालू के अवैध कारोबार में आरोपित जदयू एमएलसी के बेटे को मिली जमानत। बालू के अवैध कारोबार और उसके सिंडिकेट में आरोपित जदयू के एमएलसी राधा चरण साह के पुत्र कन्हैया प्रसाद पिछले 9 महीने से जेल में थे, लेकिन अब उन्हें पटना हाई कोर्ट की तरफ से नियमित जमानत मिल चुकी है। बता दें कि इनके नियमित जमानत की याचिका पर न्यायाधीश डॉक्टर अंशुमन की एकलपीठ द्वारा सुनवाई की गई, जहां उन्होंने इसे स्वीकृति दे दी है। अदालत द्वारा ये निर्देश अधिवक्ता एसडी संजय और केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल डॉक्टर केएन सिंह और केंद्र सरकार के अधिवक्ता तुहिन शंकर की दलील सुनने के बाद दिया गया है। लगातार चल रहे चुनावी सभा के बीच तेजस्वी यादव की बिगड़ी तबीयत। चल रहे लोकसभा चुनाव के बीच सभी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। चुनाव प्रचार के लिए वे प्रदेश में कई जिलों में घूम घूम कर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन इस चुनाव प्रचार के बीच उनकी तबीयत बिगड़ गई। लगातार चुनावी सभा और रैलियों में जाने के कारण उनके कमर का दर्द और बढ़ चुका है, जिसके कारण उन्हें पटना IGIMS और MRI जांच के लिए आना पड़ा। मिली जानकारी के मुताबिक उनके स्पाइनल सेगमेंट में बीते 10 दिनों से काफ़ी दर्द है, लेकिन अब ये दर्द असहनीय हो चुका था। हालांकि फिर भी वे दर्द की दवा और इंजेक्शन लेकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इधर कई बार तेजस्वी यादव को व्हील चेयर का सहारा लेते देखा गया था। शानदार बल्लेबाजी के साथ अपने फॉर्म में लौटे सूर्यकुमार यादव। बीते दिन मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच IPL का मुकाबला देखने को मिला। इस मैच में मुंबई इंडियंस के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने जमकर बल्लेबाजी की। इन्होंने 51 गेंदों में 12 चौके और 6 छक्के की मदद से नाबाद 102 रन बनाए और इनका स्ट्राइक रेट 200 का रहा। इसके साथ ही मुंबई इंडियंस ने शानदार जीत हासिल की। इस जीत के बाद अब टीम के प्ले ऑफ में पहुँचने की उम्मीद बढ़ चुकी है। इसके साथ ही T20 से पहले सूर्यकुमार का इस फॉर्म में लौटना भारतीय टीम के लिए अच्छा माना जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए हमने नया सेगमेंट शुरू किया है, जिसके तहत हम आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे जो आपके कई प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। तो हमारा पहला सवाल है, कौन 2024 में प्रतिष्ठित 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है मालदीव। इसका सही उत्तर है भारत। भारतीय सेना और पुनील बालन ग्रुप ने कहां में पहला संविधान गार्डन बनाया है? ऑप्शन ए है बेंगलोर, ऑप्शन बी है पुणे, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है बेंगलोर। इसका सही उत्तर है पुणे। 11वीं भारत न्यूजीलैंड संयुक्त व्यापार समिति की बैठक कहां में आयोजित हुई है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी है जिनेवा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर न्यूजीलैंड। प्रत्येक वर्ष किस तिथि को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 1 मई, ऑप्शन बी है 2 मई, ऑप्शन सी है 3 मई, ऑप्शन डी है 4 मई। इसका सही उत्तर है 4 मई। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दें उनके नाम है त्रिलोकीनाथ सिंह, सुबोध कुमार, रंजीत मिश्रा, नुन्नू गोलू कुमार, मदन कुमार, सत्यम झा, जितेंद्र कुमार सहनी, उमेश ऋषिदेव, जितेंद्र ठाकुर, वेद प्रकाश सिंह, विजेंद्र कुमार, अनवर करीम खान, गोनर शर्मा, नोईद अहमद खान, अर्जुन राम। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके मुताबिक क्या सूर्यकुमार यादव T20 में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप Facebook देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।